तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ, नाउअडेज द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन इज कॉमनली यूज। आजकल वैश्वीकरण शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। द रीजन इज ऑब्वियस, कारण स्पष्ट है। टुडे टेलीविजन एंड इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स बिकम इजीली अवेलेबल। आज दूरदर्शन, इंटरनेट तथा मोबाइल फोन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पीपल इन रिमोट एरियाज कैन नाउ टॉक एंड कीप इन टच थ्रू मोबाइल फोन्स। आज दूर दराज देशों में लोग मोबाइल फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं। टुडे यू कैन वॉच इंडिया वेस्ट इंडीज क्रिकेट मैच लाइव ऑन टेलीविजन। आज आप भारत और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर देख सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स इन यूएसए एंड यूरोप थ्रू मोबाइल फोन्स। आप यूएसए में अपने मित्र से या यूरोप में मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ सेंडिंग लेटर्स इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग इन डिटेल। यदि आप विस्तार में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। गेटिंग अ लेटर इन यूएसए फ्रॉम इंडिया टेक्स एटलीस्ट 3 to 7 days। भारत से यूएसए में एक पत्र प्राप्त करने में इसे 3 to 7 days लग जाते हैं। बट थ्रू इंटरनेट यू कैन सेंड ईमेल विच कैन रीच टू योर फ्रेंड इन सेकेंड्स। किंतु इंटरनेट के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं जो आपके मित्र के पास कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच जाता है। यू कैन ऑर्डर अ न्यू गुड प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी और जापान थ्रू इंटरनेट एंड इट विल रीच यू इन इंडिया। आप जर्मनी या जापान में उत्पादित एक नई वस्तु मंगवाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से आदेश दे सकते हैं और यह आपके पास भारत में पहुंच जाएगी। Because of these developments, we think that the world has become very small and looks like various households staying in one village. इन प्रतियोगियों के कारण हम सोचते हैं कि संसार छोटा हो गया है और एक गांव में रहने वाले बहुत से परिवारों की तरह दिखाई देता है। We should not forget that this development has not taken place in a few days. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह विकास कुछ दिनों में नहीं हुआ है। द प्रोसेस हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस प्रक्रिया को बहुत लंबी अवधि लगी है और यह काफी दिनों से चली आ रही है। इन अर्लियर डेज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स यूज टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू सी रूट्स और टू ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेस। प्राचीन काल में व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह वस्तु और सेवाओं के व्यापार के लिए विभिन्न देशों की यात्रा समुद्री मार्ग से करते थे। ट्रैवल एंड सेंडिंग ऑफ गुड्स बिकम इजियर विद द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन्स एंड शिप्स। हवाई जहाज और समुद्री जहाज के आविष्कार से यात्रा करना और वस्तुएं भेजना आसान हो गया है। Then government of different countries started interacting with one another in order to minimize any obstacle that may arise so that citizens of all nations can exchange things without any problem. अब विभिन्न देशों की सरकारों ने आपस में संपर्क स्थापित करना प्रारंभ कर दिया है जिससे आने वाली बाधाओं को कम से कम किया जा सके और सभी राष्ट्रों के नागरिक वस्तुओं का विनिमय बिना किसी समस्या के कर सके। विनिमय करना मतलब एक्सचेंज करना। टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दैट यू सी टुडे हैव मेड द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन अमंग सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इजियर नाउ। तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति के कारण परिवहन और संचार के साधनों ने, जैसा कि आप आज देखते हो, विभिन्न देशों के नागरिकों में संपर्क की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है। सो वी आर नो लॉन्गर सेपरेट इन द वर्ल्ड इवन इफ वी आर लिविंग सेपरेटली इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। इसलिए अब हम विश्व में अलग अलग नहीं है,
यद्यपि हम विभिन्न देशों के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रह रहे हैं. Rather, people have come closer to each other through trade, transport and communication system. बल्कि व्यापार, परिवहन और संचार की व्यवस्था से लोग एक दूसरे के पास आ गए हैं. People can consume both domestic and foreign goods, go to foreign countries to do jobs and exchange ideas with foreign citizens, export goods and services to different countries. लोग घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं. नौकरी करने के लिए विदेशों में जा सकते हैं, विदेशी नागरिकों से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न देशों को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकते हैं आदि. The different countries of the world seem to be coming closer. This process is known as globalization in simple terms. विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के पास आते हैं और यह प्रक्रिया साधारण भाषा में वैश्वीकरण कहलाती है.